अस्सलाम प्यारे व्यूअर, शाहद गार्डन में खुश आमदीद। आज मैं आपको अपने गार्डन में कद्दू का विज़िट करूंगा। ये हमारे पास छोटे छोटे प्लांट्स जो नज़र आ रहे हैं, ये कद्दू के प्लांट्स हैं। आज मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूं। हमारे कद्दू के प्लांट में सबसे पहला जो फ्लावर लगा है वो ये है, लेकिन बदकिस्मती से इसके साथ कोई कद्दू नहीं लगा है। इसकी मेन वजह यह है कि इसकी ये ग्रोथ है, इसकी ग्रोथ थोड़ी कमज़ोर है, तो इसी वजह से इसने कोई कद्दू नहीं दिया। ये जो आपको सब के सब नज़र आ रहे हैं फ्लावर्स, ये सारे फ्लावर्स कोई इसमें मतलब कद्दू नहीं है। अगर आप इसे देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट है। अगर ये कद्दू देगा तो ये इधर इसके साथ एक कद्दू होता है छोटा सा, और टाइम टू टाइम बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ पौधे हैं जो कि आपके साथ मैं विज़िट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो ये इसका फ्लावर होता है कद्दू का, जो कि जिसने कोई कद्दू नहीं दिया है अभी तक। तो कद्दू आप लगा सकते हैं किसी भी इलाके में, इसको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये काफ़ी लंबा कद्दू है, इसकी बेल आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था इसकी बेल काफ़ी छोटी थी, इस बार इसकी बेल काफ़ी बड़ी हो गई है। मैंने कम से कम 3 कनाल के ज़मीन पर लगाए। ये हमारे कद्दू की कुछ प्लांट्स थी जिसको मैंने आपको विजिट दी, और ये कद्दू आ गया। ये कद्दू है, माशाल्लाह इसी बेल ने हमें कद्दू दिया है, और ये काफ़ी प्यारा कद्दू है। तो उम्मीद है आज आपको हमारी कद्दू की वीडियो पसंद आई हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।